नजायज संबंधों के चलते 25 साल नौजवान की ले गई जान, भरा ने ही ले ली बेरहमी नाल अपने भरा की जान। मौके पर पुजे पुलिस अधिकारी, मामला बनिया इलाके विच दहशत के माहौल वाला। पंजाबी विच एक कहावत है कि अक्सर तुसी सुनते होवोगे कि वीर वीरां दीआं बाहां हुंदे ने, पर कलयुग विच ये गल बिल्कुल गलत साबित हो रही है। अजकल सके भरा ही एक दूजे की जान दे बैरी बन चुके ने, क्योंकि पहला कहा जाता सी कि जेकर घर विच कतल हो जाए तो यह कहा जाता सी कि जरूर जमीन का रौला होवेगा, पर इत्थे रौला जमीन का भी नहीं सी। अजिहा की होया कि जिसके करके एक भरा ने अपने सके भरा का ही कतल कर दिता। दरअसल मामला भदौर के स्टेडियम रोड तो सामने आ रहा है, जिथे एक भरा दे वल्लों अपने ही छोटे सके भरा का कतल कर दिता जाता है। मृतक सुखजिंदर सिंह के पिता ने जानकारी दिंदिया दस्या कि मृतक सुखजिंदर सिंह के संबंध अपनी ही वड्डी भाबी दे नाल सन, जिसके चलते घर विच अक्सर ही कलेश रहिंदा सी। ते बीती रात किसी गल ते कलेश इन्ना वध गया कि वड्डे भरा हरपाल सिंह वल्लों टेंट लाउण वाले सूंबे नाल मृतक सुखजिंदर सिंह के सिर ते वार कर दिता गया, जिस दे नाल उसके सिर विच इन्नी गूढ़ी ते डूंगी सट लग गई कि खून रुकन दा नाम नहीं लै रहा सी। खून ज़्यादा वहन कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर पुलिस का कहना है कि एक घरेलू कलेश ने एक जान ली है, तो मौके तो दोषी फरार दसिया जा रहा है, पर पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोषी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ जी, रात जो कतल हो स्टेडियम रोड पर की जानकारी है, तो की नाम की है? मैं इंस्पैक्टर रमनदीप सिंह, SHO भदौड़। कल रात सानू 12:15 बजे फोन आया सीगा कि स्टेडियम रोड दे उत्ते कोई घर दे विच कलेश पैण तो बाद उत्ते किसी दी डैथ हो गई है, तो असी मौके ते गए हां। उत्ते देखिया कि जाके सुखजिंदर सिंह सीगा जिहड़ा उत्ते डैड होया पिया सीगा, ते असी मौके ते तफतीश कीती ते पाया कि उन्हां दा घरेलू कलेश रहिंदा सीगा अपने भरा नाल, ते उहदा भरा हरपाल सिंह जिहड़ा रात गुस्से गले वध हो गया, तो उन्हें उहदे सिर दे विच कोई लोहे की चीज़ मारी हैगी। ये परचा एज पर दी स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम फादर, उहदे फादर कहिंदे आ भी इह साडे घर दे विच कलेश रहिंदा सीगा, ते उह कलेश दा कारण सीगा कोई रिलेशनशिप इशूज सीगे, तां उहदे विच इहनां दी जिहड़ी नूह हैगी गुरमीत कौर ते एक गुरमीत कौर दे घर वाला हरपाल सिंह, एक उहनां ते दोनां ते परचा दर्ज होया। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸੂਟ, ਲਹਿੰਗੇ, ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੋ। ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਅਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। एक बार विजिट जरूर करो आशु दी हट्टी, ऑपोजिट बस स्टैंड फगवाड़ा।